क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदिशा प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई थी। यह क्रिकेट 7 दिवसीय चला, जिसका आज फाइनल मुकाबला हुआ। क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदिशा प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई थी। क्रिकेट का आयोजन 7 दिवसीय चला, जिसका आज फाइनल मुकाबला खेला गया। आयोजकों द्वारा बताया गया कि प्रथम विजेता टीम को 51,000 और द्वितीय विजेता टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। समापन के दौरान वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन और सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ देवपाल ग्राउंड पर हुआ। मैं इस आयोजन की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये जो टूर्नामेंट है न केवल हमारे स्थानीय। मेरा नाम रविकांत रामदेव है जी। जो मैच चल रहा था, टूर्नामेंट चला, क्या था पूरा कार्य सर? ये विदिशा क्रिकेट क्लब हम लोगों की एक समिति है। विदिशा में जितने भी क्रिकेट खेल प्रेमी हैं वो उनकी एक समिति है, और विदिशा प्रीमियर लीग सीज़न 1 के नाम से ये प्रतियोगिता चल रही थी। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया है, और लीग कम नॉकआउट बेस पर ये टूर्नामेंट कराया जा रहा था, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ 51,000 रुपये, द्वितीय प्राइज़ 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। और आज हमारे विदिशा से पधारे हुए सभी अतिथियों ने इस टूर्नामेंट का समापन समारोह